नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। प्रदेश में महिला अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिस अपराध को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है, वही लेन देन कर इनके ऊपर हो रहे जुर्म को और बढ़ावा दे रही है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि आए दिन पुलिस प्रशासन की ऐसी करतूतें उजागर हो रही हैं जो इनकी कार्यप्रणाली की कलई खोल देती हैं। हाल में ही गोविंदगढ़ थाना प्रभारी और विवेचक रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसने पूरे पुलिस महकमे की पोल खोल कर रख दी है। आप समझ ही गए हैं कि किस तरह से पैसे के दम पर किसी को भी कहीं भी फंसाया जा सकता है। अब एक ऐसा वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें दो बेवा महिलाओं के साथ एक सरहंग मारपीट करते हुए उनके द्वारा लगाई गई लकड़ी को तोड़ रहा है और उसे गाली भी दे रहा है। उसी लकड़ी और टीनों को तोड़ते समय उसको चोट लग जाती है, जिससे बौखलाया वह अपनी पत्नी के साथ बेवा महिलाओं के साथ मारपीट करता है और उनका मोबाइल तोड़ देता है। डॉक्टर उसी चोट को महिलाओं के द्वारा धारदार औजार से की गई मारपीट बता देते हैं और उन निराश्रित महिलाओं को आरोपी बना दिया जाता है। पहले आप देखिए पूरा वीडियो। देखे तुम ना गाली तो हटो। हाँ, जो मार रहे थे हमका, हमका मार रहे हैं। देखो हमका कैसे हटो, आप हटो। देखो देखो हमका मार दी है। हाँ, बोल रहा है झूठा वाह। हाँ चल 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 बता लगी चल। ओवर एक्टिंग जबरदस्ती कब्जा करा चाहा था। अमीना तो गए हैं इधर से। जबरदस्ती कब्जा कराए कहा था। आपने लगे काहे तोर है बोल दे। ओ भाजी वो उठ रहा है। चल आगे चल। जब तक कर लिए तब करे। चलो चलो बोल ले, हम बना रहे वीडियो। बन रही वीडियो, चुप रहो। ये सबूत है, वो सबूत है, वो ये सबूत है, ये सबूत है। दरअसल ये पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोघर मोहल्ले का है, जहां विधवा शकीला बेगम अपनी तलाकशुदा बेटी नाजिया और बेटे के साथ रह रही है, जिसके देवर गीत बाबू उर्फ सलीम खान और संजू उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। 10 नवंबर की सुबह गीत बाबू गाली देते हुए उसके घर पहुंचा और तोड़फोड़ करने लगा। इसी तोड़फोड़ में उसे चोट लग जाती है, जो कि कैमरे में भी कैद है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी जाफरीन के साथ मिलकर दोनों की जमकर धुलाई कर देता है और थाना पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाता है। पुलिस की जांच विवेचना सब ठंडी पड़ जाती है। आनन फानन में FIR दर्ज करवाकर मेडिकल कराया जाता है और लेन देन कर मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है कि चोट धारदार औजार से हमला करने पर आई है। निराश्रित महिलाएं चिल्लाती रहीं कि उनके द्वारा मारपीट नहीं की गई, लेकिन उस समय उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। गनीमत यह रही कि जिस समय आरोपियों के द्वारा शकीला बेगम के साथ मारपीट की जा रही थी और तोड़फोड़ की जा रही थी, उस समय नाजिया ने पूरे घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें साफ दिख रहा है कि उसको चोट कैसे लगती है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं नियम और कानून की दुहाई देने वाली कैसी विवेचना करते हैं और कैसे निर्दोषों को फंसाया जाता है। पीड़ितों ने बताया कि उनके पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है, उनका एक छोटा भाई है, किसी भी तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन दौलत के लालची उनके चाचा उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और आए दिन मारपीट और तोड़फोड़ करते हैं। इतना ही नहीं,
झूठे मामले में फंसाया जाता है। उन्हें डर है कि किसी दिन उनके साथ गंभीर वारदात भी हो सकती है। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अपने ऊपर दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताइए किस तरह से मारपीट हुई है और कैसे झूठे मामले फंसा दिया गया? वो जमीन किसकी है जिसमें से वो टीना हटा? हमारी जमीन है, देवर ईद बाबू मेरे आदमी समीम की है, मगर मेरा देवर गीत बाबू हमको, हम टीन लगाते रहे तो बनाने नहीं दिए, टोट टाड़ा तो उसकी टीन लग गई और जालसाजी में हम लोग को, सारे हमारे दामाद को, हमारे नाती को, हमारे लड़का को, हम लोग को फंसाया गया। और उसके घर से दो परिवार हैं, डंडा दो परिवार हैं, दो परिवार मिल के मारे, चसंजू के लड़की लड़का और उसके क्या कहते हैं गीत बाबू के, और गीत बाबू भी मारा है मेरी बेटी को, हम लोग को। हाँ प्रॉपर्टी हर प्रजन, हम बेवा तीन, हमारे बच्चे, हमारे कोई आगे पीछे ना, तीन लड़की, दो एक तिलाक सुधा, एक बेवा, दो बच्चे की माँ, उसका आदमी का कैंसर हो गया, मर गया। और हम लोग परेशान ना पैसा से ना कौड़ी से, और उनके तरफ पैसा जन है और उन्हीं की सुनाई होती है, हमारी नहीं होती साहब। पुलिस अधिकारियों से आपने बताया सब ये समस्या थाना जी, जी हमारा सब चल रहा है, हम लोग जमीन तहसीलदार में भी दे चुके हैं, हर जगह हमारा कागज सबसे इनका खारिज हो गया है, नहीं नहीं। मेरा एक लड़का है, मेरे लड़के को रुक रोक के फंसाते हैं, मेरी तीनों बहनों को, फैमिली को फंसाया, दोनों बहनों के पांचों बच्चों को, मेरे बहनोई को, मेरे भाई को, समझ लीजिए हम लोग सभी को फंसा दिया गया है जालसाजी में। जी हाँ क्या चाहती है आप? हम लोग ये चाहते हैं कि जांच की जाए, न्याय किए जाए, इंसाफ चाहते हैं। अब मेरा जो मोबाइल तोड़ दिए, वो मोबाइल का पैसा दे, हम कहाँ से भरे? हमने किसी से उधार लेके वो मोबाइल बनवाया सिर्फ इस वीडियो के चक्कर में सर। वीडियो ना होती तो ना बनवा। और नहीं, हमारे लिए मोबाइल इतना जरूरी नहीं था, इसीलिए मैंने ये मोबाइल बनवाया जी। वीडियो की वजह से बेगुनाह साबित हो रहा है कि उनको डंडा नहीं मारा गया है। जी मेरा नाम सपना है। अभी आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या मामला है पूरा बताइए, किस तरह से मारपीट किया है, क्या जी? ये 6 महीने से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग की गरीबी की वजह से, हम लोग की तरफ केवल लड़की हैं, एक अकेली माँ है, बेवा है, हमारे पापा नहीं हैं, हमारा एक छोटा भाई है और हम लोग का बासी में ससुराल है। कुछ भी चाचा लोग मारपीट करने आते हैंगे वो जमीन के पीछे, तो हम लोग आ जाते हैं पास में रहने की वजह से, और इसके वजह से उनका सारे जगह से कागज़ निरस्त हो चुका है, तो उसमें खिसिया के हम लोग को मारते हैं। कल 10 तारीख को भी हमारी अम्मी मजदूर बुला के वहाँ पे काम लगवाई थी कि लाओ घिरवा ले उसको, तो उसमें हम लोग भी बैठे थे और वहाँ से चाचा लोग आए हैंगे, बस वो तोड़ फोड़ करने लगे और उसी तोड़ फोड़ करने के दौरान उनको वो लगी है टीन सर पे, जिसकी वजह से उनका सर फट गया और वो पुलिस से डॉक्टर से गलत रिपोर्ट बनवा के कि ये हमको डंडा मारा गया है, हमारे घर के जो हमारे बहन के आदमी हैं उनका नाम, हमारे बच्चों का नाम सब वो गलत बनवाया गया है रिपोर्ट। क्या पुलिस पूछताछ करने नहीं आई हकीकत जानने वहाँ? पुलिस पूछताछ करती पर उनके तरफ से सर कार्रवाई होती, हम लोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती और हम भी बेवा हैं, हमारे दो छोटे बच्चे हैं, हमको इतनी बुरी तरीके से मारा गया, जो वो तोड़ रहे थे जब वो बनवाने वाला पूरी टीन उन जब लगवा रहे थे तो उसको तोड़ने के दरमियान जब उनको चोट आई तो वो चोट हम लोग वीडियो बना रहे थे कि हम लोग को दिखाना पड़ेगा, तो वो जो वीडियो जो बन रही थी वो मोबाइल खींच के उतनी समय मारी भी और मोबाइल खींच के ले गई, फिर हमको बीच में पकड़ के इतना मारा गया कि हमसे सांस भी नहीं लेते बन रही, हमारे पूरे शरीर में चोट है, मोरा देखिए पूरा कितना हमारा बाल नोचा गया, हम लोग बहुत मजबूर परेशान है, हम लोग की कोई सी सुनवाई नहीं हो रही है सर। हाँ हमारे ये चचा चची उनके पूरी फैमिली, हाँ चचा गीत नाजनीन और उनकी बिटिया लोग सब कोई थी, पूरा मोहल्ला देख रहा था सर। हम चाहते हैं कि हमारी अच्छे से कार्रवाई हो, वो जो पुलिस, वो जो डॉक्टर से भी मिलके गलत रिपोर्ट तैयार करवाए हैंगे, वो टीन से लगा हुआ है पर उसको डंडा दर्शवाए हैं, हमारे पूरे घर के आदमियों को फंसाए हैं जाली, वो सबसे पाइज्जत बरी किया जाए, इसलिए कि कोई नहीं थे उस समय हम 4 लेडीज के अलावा और हमारी माँ के पास हम लोग घर के करीबी ससुराल है। आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं? जी हाँ वो हमारे पापा की जायदाद है सर, वो हमारे पापा की ली हुई जमीन है और उसमें चाचा लोग आके जबरदस्ती आते हैंगे कब्जा करने के लिए, मारपीट करते, कहते हैं तुम लोग को यहीं गाड़ देंगे पगर लेके रहेंगे, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, कहाँ जाएं सर, और हमारा आदमी भी नहीं है, दो छोटे बच्चे हैं और देखिए जिसमें हमने वीडियो बनाया था वो।
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।